वापस आने वाला। स्पोर्ट्स का आगाज हो रहा है और प्रदेश में ई स्पोर्ट्स का न केवल सेंटर बनेंगे बल्कि ई स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट कराए जाएंगे। इसके लिए आज सिंगापुर की कंपनी गैरिना है, उसके साथ आज प्रदेश सरकार का अनुबंध हुआ है। ये गैरिना कंपनी योटो डेटा सेंटर्स के साथ जो कि ग्रेटर नोएडा में ऑलरेडी उन्होंने अपना डेटा सेंटर बना लिया स्थापित कर लिया है और देश का पहला इतना बड़ा डेटा सेंटर था जो कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिसका उद्घाटन किया था। ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के डेटा सेंटर में ई स्पोर्ट्स की सुविधाएं देंगे, ई स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाएंगे, ई स्पोर्ट्स का सेंटर बनाएंगे जहां जिसके माध्यम से देश में प्रदेश में ई स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा केंद्र विकसित हो रहा है होगा। आप जैसे जानते हैं कि जो फिजिकल गेम्स के साथ साथ ई स्पोर्ट्स के जो खेल हैं उनका भी अभी बहुत अच्छा भविष्य आगे आ रहा है और देश में दुनिया में टूर्नामेंट इसके आयोजित होते हैं जिनमें कि जो ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं उनको खेलने का मौका मिलता है। और ये कंपनी 2023 में उत्तर प्रदेश में भी एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कराएगी और योटो डाटा सेंटर जो हीरा नंदानी ग्रुप का ग्रेटर नोएडा में चल रहा है उनके साथ मिलकर वहाँ पर ई डाटा सेंटर बिल्कुल 100% फ्री फायर वापस आ रहा है। ओल्ड फ्री फायर रिटर्न आ रहा है, फाइनली ओल्ड फ्री फायर आ चुका है। Come on, come on.